अस्सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातहू। वातीनों हजरात, एक और वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ौदा के जेल में अभी भी मौजूद हैं, उन्हें बेल अभी तक नहीं मिला है। उनकी बेल की अर्जी जो भी 9 मई को उनके वकील की जानिब से पेश की गई थी, उसे वहां के जज ने रिजेक्ट कर दिया। और इसमें कल जो खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि टेम्प्रोरी बेल की जो मांग की गई थी उसकी तारीख 11 जून सन 2024 यानी मंगलवार के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। इसके भी हवाले से जान लें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो इसमें उतनी ज़्यादा समय नहीं लगने वाली है जितना पासा एक्ट में लगा था। एक्ट में कई कई महीने लग गई लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस बार यानी कल की तारीख बेल के लिए जो एप्लीकेशन दायर की जाती है इसकी दो सूरत होती, या तो बेल मिल जाता है या बेल की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। और अगर इसमें तारीख दी जाएगी, उससे ज़्यादा तारीख नहीं दी जाएगी, तारीख बढ़ा दे तो मुमकिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने लग सकती है। ये जो लीगल प्रोसेस चल रहा है इसके हवाले से हमने आपको जानकारी दी है, और मुमकिन है कि उनकी रिहाई, तो हमारी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उन पर करम फरमाए और सब्र का उन्हें सिला अता फरमाए, और उसी दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का सामान मुहैया हो। अल्लाह ताला हमारी दुआ को उनके हक में कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मिलते हैं अगले वीडियो में।